आज तक अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को पता होगा ब्लॉग में क्यों नहीं बताया। इसकी जो बेटी है ना वो 14 साल की इसकी बेटी है, और इसकी जो बेटी है ना तो वो भाभी के हस्बैंड के पास रहती है बेटी उसकी, ठीक है ना। और इस बेटी का जिक्र आज तक कभी इस ब्लॉग में। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हम आए, प्रूफ्स दिखाएं। जनाब ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब जनाब आए थे, मतलब अपना तकब्बुर दिखा रहे थे और लेवल दिखा रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि आप हमारे ऊपर वीडियोस बनाइए, हम देख के इंजॉय करते हैं। ऐसा वो बिल्कुल मतलब एकदम खिसियाने वाली उन्होंने स्माइल में बोला था। और हाँ, करते रहो, आप करते रहिए, और हम तो हंसते हैं, हम तो इंजॉय करते हैं। तो हम हंसा रहे थे लोगों को, लोग इंजॉय कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, तो हम मिमिक्री कर रहे थे। और बस ये था कि हम क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स उनके उठा लेते थे व्लॉग से। तो जनाब को गुस्सा आ गया है, मिर्ची लग गई है, तीखी बहुत जगह लग गई, जली हाँ, बुझी, राख हो गई। तो जनाब के मतलब बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। अब क्या करें फिर, अब वो तो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें लेटर भेज देंगे ऑफिस में, हमारी पेंट में ढीली कर देंगे, गीली ढीली दोनों कर देंगे। लेटर ड्राफ्ट करना आता है जनाब? पहले ये बताइए, लेटर की स्पेलिंग क्या होती है और लेटर लिखा कैसे जाता है? हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर, हाउ टू ड्राफ्ट एन ऑफिशियल लेटर, डू यू इवन नो हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर फॉर दिस? और जनाब पता है क्या कह रहे थे, एक एक कमेंट उठा के जाऊंगा पुलिस स्टेशन पे, मीरा रोड के एक एक कमेंट वालों को पुलिस स्टेशन ले। Exactly, पूरी मुंबई थाने की पुलिस इसीलिए तो बैठी है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ जनाब टू गिव देम देयर ब्लेसिंग्स ऑफ मेकिंग अ केस, फाइलिंग अ केस जस्ट फॉर जनाब, बिकॉज जनाब इज द मोस्ट ब्लेस्ड एंड बिलोवेड ऑफ ऑल द मुंबई पुलिस, राइट? देखो, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन से, ठीक है, लोग गंदा गंदा लिख रहे हैं, राइट, तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन टर्न ऑफ द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल, अब उस पर भी आप अपना बताओगे कि नहीं, ये हमारा चैनल है तो हम अपने हिसाब से करेंगे, तो बेशक आप अपने हिसाब से करोगे, तो हम पब्लिक हैं, सब पब्लिक है, हर पब्लिक अपने हिसाब से कमेंट डालेगी। बिल्कुल, बी ओपन आर्म्स, खुश रहिए, हमेशा जिंदगी में ऐसे ही होता है ना, तो ओपन आर्म्स से वो भी वेलकम करिए आप चीज़ों को, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी जैसे सो कॉल्ड कहते हैं ना कि आप हो, तो डेफिनेटली आप देख लो ना, सारे सेलिब्रिटीज को क्रिटिसिज्म मिलता है, सारे सेलिब्रिटीज को हिट कमेंट, या ये कहें कि आपको भी इसमें मजा आता है, आपको भी पीआर स्टंट करने पर बड़ा मजा आता है, क्योंकि व्यूज व्यूज व्यूज, मुझे तो सिर्फ व्यूज ही व्यूज सुनाई देता है वीडियो में, कि व्यूज व्यूज आ रहे हैं, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज। सो ओवरऑल जब आपका मेन फोकस होता है, जब बेबी वाला वीडियो डाला था उसमें भी ये दिखा रहे थे कि ट्रेंडिंग में है, बिकॉज इन दैट केस ऑल्सो दैट डजंट मैटर कि कितनी हैप्पी न्यूज उन्होंने शेयर करी पब्लिक के साथ, द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वाज दैट आवर व्लॉग इज इन ट्रेंडिंग। भाई वाह, सल्यूट ग्रैंड रोडी वाले सल्यूट मार देते हैं इनको एक बार में इसी बात में। खैर, करेंगे तो करना, कब करोगे? करना बैठे। अगर जनाब आप में जरा सा भी दम है और आप वाकई नल्ले नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे थे ना, ये खुद ही बोल रहे थे, बोलो बुरा लगता है, अगर आपकी खोखली धमकी नहीं है और आप नल्ले नहीं है, तो आप हमारी जॉब हटवा के दिखाइए, हमें यहाँ से हिलवा के दिखाइए, हमारे वीडियोस बंद करवा के दिखाइए। अगर आप में दम है और अगर आप वाकई अपनी बात पे स्टैंड करते हो, वरना कह देना अपने ब्लॉग में आके कि मैं नल्ला हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। उसमें क्या कह देंगे, वो तो पहले ही बोल चुके हैं बाकी हम समझ ही जाएंगे अगर आप नहीं भी कहेंगे, उसमें तो पहले बोल चुके हैं, जो कि आप को दुनिया कहती है। एनीवेज, ये सब तो चलता ही रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? अभी आप कंटिन्यू करते हैं, हम एक एक करके आपको बताते हैं क्या रोटियां रोटियां सेकने की बात, तो रोटियां आपकी सिक नहीं रही थी, तभी आप YouTube पे आए थे, आपका सोल पर्पस था रोटियां सेकने का, पैसे कमाने का। हमने अंडा रोटियां 0 रुपया कमाया है आपका वीडियो बना के, हमने मिमिक्री लाइट मिमिक्री से शुरू किया, आप हम पे चढ़ने लग गए, आपके तरफ से हमें कॉल आने लग गए, धमकियां आने लग गई, हमें बदला दे रही, फैमिलीज को क्या, फैमिलीज को दबा रहे हो आप, वहां से दबाव डाला जा रहा है, रिश्तेदारों से, जो बहुत क्लोज रिश्ते हैं वहां से दबाव डाला जा रहा है कि हम लोग रिश्तेदारी खत्म कर देंगे अगर आप बंद नहीं करेंगे। भाई इतना डर, इतना ट्रोल, इतने छोटे से ट्रोलर से हम लोग तो, भाई आपकी तो 3 मिलियन प्लस 3 मिलियन प्लस 3 मिलियन 9 मिलियन है, हमारे तो सिर्फ 24,000-25,000 प्यारे से लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हमें हम ट्रोल कर रहे हैं, हमें भी तो लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझे को भी देखेगा ना जो डिटेलिंग में व्लॉग्स देख रहे हैं,
बहुत दिक्कत हो रही है ना डिटेलिंग में व्लॉग्स देखने में इनको भी, कि लोग डिटेल में कैसे जा रहे हैं इतना। तो क्यों ना डिटेल में जाए, जब एक ही चीज आप 70 करोड़ बार दिखाओगे तो वो तो डिटेल में दिखने ही लग जाएगी। एक ही कंटेंट आप रिपीटेडली बोले जा रहे हो वही तारीफें, वही रिश्तों का ज्ञान, वही कोट चिपकाना, वही एंड में है ना ज्ञान देना, तो ये चीज आप लगातार कर रहे हो तो लोग तो नोटिस करेंगे कि बस बहुत हो गया। क्यों, उनकी मर्जी, वो जितनी चाहे तारीफ करें, तुम्हें क्या। नहीं, वो ये कहते हैं आपका हमारे जैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, काश के सबका ऐसा होना चाहिए। जितना अपने बार बार कहें भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति परमेश्वर देवता है, तो फिर हम जितने भी कमेंट करें, क्योंकि हमें ऐसा देवता, ऐसा पति नहीं चाहिए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुमने अगर कमेंट गंदा किया तो अल्लाह देख रहा है। तुम नहीं कह सकती हो, मैं चाहो जो चाहे कहूँ अपने ब्लॉग में, तुम नहीं कह सकती उनके कमेंट में, ठीक है ना। इस पे भी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अल्लाह का नाम बार बार अपने ब्लॉग्स पे लेके आते हो, कभी आपने ये भी पढ़ने की कोशिश करी है कि अल्लाह ने क्या चीज करने की हिदायत दी है क्या नहीं, आपके प्रोफेशन के बारे में अल्लाह ने क्या बोला है। ये बेयर चेस्टेड आप आ जाते हैं, ठीक है, ये नंगे होकर के आप शूटिंग करते हैं, बेड सीन करते हैं, लड़कियों के साथ में रोमांस भी दिखाते हैं। अब आप अल्लाह की बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिखाओ भैया, कुछ भी, किसी भी तरीके की मूवी बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेकिंग श्योर कि बच्चों को भी साथ में बैठ के दिखाते हैं, विटनेस करवाते हैं कि बेटा देखो रोमांस किसे कहते हैं, छोटे बच्चों को जो कि टीनेज में है। That will create a really, really bad image of this thing, कि उनके दिमाग में कैसे, अब हम इमेजिन नहीं कर सकते भाई कि हम ये किसिंग सीन और ये चिपका चिपका वाले सीन अपने बच्चों को जो टीनेज में है उनको बैठ के अपनी फैमिली के साथ दिखाएं। अब आप कहोगे आजकल सब कुछ दिखता है अलग केस है, पर्सनली दिखाना एक अलग केस है। फिर भाई वाली बात है कि आप कहते हो कि हर कोई मोहब्बत प्यार दिखाए, दिखाना जरूरी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार मोहब्बत सब कोई दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके घर शीशे के हो तो आप मत दिखाओ। आपकी चीजें पता है ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को अब और खुल भी रही हैं, लोगों को पता चल रहा है। दैट्स व्हाई दे आर सो कंसर्न कि इतना सबको मालूम कैसे चल रहा है, लोग हमारे ब्लॉग इतने डिटेल में जाके क्यों देख रहे हैं, और तुम्हें क्या, तुम लोग को क्या है, तुम लोग हर चीज नेगेटिविटी है। और हम जितना चाहे फेक करें, हम फेक ही तो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या हो, आप लोग को कुछ गंदा तो दिखा नहीं रहे, मतलब आप लोग ये चीज कंफर्म मानते हो, आप कर फेक करते हो, बिल्कुल राइट। हाँ, क्यों फेक करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो टैलेंट है, ना तो इंटेलिजेंस है, ना तो विट है, ना तो ह्यूमर है, तो एक एक्सपीरियंस था सीरियल करने का। ससुराल मक्खी का सीरियल किया हुआ है तो वो मक्खी वाला जो एक्टिंग का कीड़ा है वो अभी तक उतरा नहीं है, ठीक है, और पैसे कमाने की चुल तो है ही, तो क्या किया, व्लॉगिंग में उसको उतार दिया। लेकिन व्लॉगिंग इज अबाउट शोइंग योर पर्सनल लाइफ, हाउ यू आर रियली, रॉ लाइफ, ठीक है, रॉ लाइफ, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स 100% नहीं शो करते, जो कि कोई भी नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 50-60% तो उनकी रॉ लाइफ होती है। आपका व्लॉग शुरू होता है स्क्रिप्ट के साथ, एंड होता है सेल्फ प्रेज कर करके, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पूरा एक इमेज कास्ट करने का आप जबरदस्ती डेलिब्रेटली लोगों के यहाँ ट्राई करते रहते हो, और वो भी करो कोई बात नहीं, वो भी ज्ञान है, बुरा है जैसा भी है मेरा पत्नी, आप कुछ भी करो, अपनी भी तारीफ करो, लेकिन जहां आप बोलते हो ना काश के सबके साथ ऐसा होता, काश के बाकी लोगों के घरों में नहीं होता, बाकी लोग फ्रस्ट्रेटेड है, बाकी लोग जेलस है, उनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, इतने घटिया घटिया टॉक्सिक वर्ड्स आप यूज करते हो, ठीक है, ये आपके अंदर नेगेटिविटी है, दूसरे के अंदर नहीं है। दूसरे को जो क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है वो इंसान बता रहा है, लेकिन नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है मेरा जो ये बेयरली मिनिमम जो 2-3 सेकंड का मुझे अटेंशन दे देता है ये बहुत है, दिस इज नॉट ट्रू, यू आर डिल्यूजनल, बहुत ज्यादा आप अंधेरे में हो। इफ सम हस्बैंड, इफ एनी ऑफ द हस्बैंड्स इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर हर वाइफ, सॉरी फॉर हिज वाइफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट्स नथिंग एक्चुअली, दैट्स व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू, दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन, एंड एवरी हस्बैंड, मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स आई कैन गारंटी एंड बेट ऑन दैट दैट दे विल डू, यस दे विल डू फॉर देयर वाइफ, इफ दे सपोर्ट एंड लव देयर वाइफ दे विल डू दैट, and it's nothing as a big chunk of something that is coming out. ऐसा वाइफ पे नहीं है। Sorry, no. भैया उनका भी बच्चा है। Exactly. हाँ। तो ये कोई बहुत बड़ा, उन्होंने कोई अपने chest thumping नहीं करेंगे हम कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। That's how it is supposed to be done. अगर पति बीमार हो जाता है और पत्नी अगर उसको थोड़ा सा ठीक से अटेंशन दे देती है, is it really something out of the box?
Is it really something else? So similarly, जब wife pregnant है and that too pregnancy is a very difficult phase, right? बहुत difficult phase है. तो उसमें अगर pregnant wife को अगर husband support कर रहा है, तो उसको ऐसे दिखा देना कि भैया उन्होंने कितना बड़ा तीर मार दिया. और सिर्फ वो ही कर सकते हैं. और वो क्या तीर मारते हैं? वो आपने अपने ब्लॉग में बोला ना कि आप लोग सब देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं, तभी तो बोलते हैं. कोई तीर नहीं मारते हो. लेकिन उसके बाद जनाब ने ये भी बोला कि मैं, मुझे अब कोई फ्लर्ट नहीं करेगा. मतलब अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के आगे ये बोल रहे हो, अब कोई फ्लर्ट नहीं मुझसे करेगा, मैं बाप बन जाऊंगा. तो वाह वाह, दैट टू ऑन द ओकेजन ऑफ अ फिफ्थ एनिवर्सरी. आई मीन आई कैन हार्डली बिलीव कि मैं कभी भी ऐसी बात बोलूंगा. आई मीन हाउ कैन ही दैट, तो आपके बात सुनो. अरे नहीं, हाउ कैन दैट पॉइंट इवन कम टू योर माइंड यार? हाउ कैन दैट पॉइंट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर, क्योंकि माइंड में व्हेन माय वाइफ इज डूइंग सो मच, शी इज लाइक लिटरली throwing off flowers in the floor, you know, मेरे लिए मतलब इतना कर रही है, balloons लगा दिए हैं, family को इकट्ठा कर रखा है. Apart from her family, only my family is, you know, उसकी family है. As if, you know, ऐसा लगता है. And then, at that moment, at the very moment, मैं ये चीज़ मार रहा हूँ कि, you know, अब बताओ मुझसे कोई flood कैसे करेगा, क्योंकि बच्चा आने वाला है. Oh my God. ऐसा हो सकता है. अगर आप self-obsessed हो, और आप अपनी बीवी को वाकई में अपने आगे कुछ समझते नहीं हो, इट्स नॉट सेल्फ बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड यार, इट्स बीइंग सेल्फ साइकोपैथ. तो वही है जनाब. कम ऑन, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ सेइंग सर्टेन वर्ड्स, राइट? व्हेन आपकी वाइफ और आपकी फैमिली सब इतना सब कर रही है आपके सामने, एंड यू आर बिहेविंग एज इफ अ चाइल्डिश मैन चाइल्ड, एज वी से. ऑफ कोर्स यू आर अ मैन चाइल्ड, मैन, कम ऑन. नल्ला इज ऑन अ सेपरेट पार्ट, बट दिस, ये आपका एक्चुअली ये रियलिटी है. कि आप, यू नो, आप कैसी बातें बोल रहे हो, आप सोच भी रहे हो कि आप अपनी वाइफ को कितना डिग्रेड कर रहे हो सबके सामने, सबके सामने. और कह रहे हो कि जब हमारा मन करता है दिखाते हैं, जब मन करता है तब नहीं दिखाते हैं. और ये भी कहते हो कि दिखाते रहिए. तो पहले डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो. ठीक है, आप खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हो, फिर लोग आपको उस चीज पे पॉइंट आउट करते हो तो आप चिढ़ जाते हो. हमारी मुझे सी रोटियां सीख रही है, ये क्या बदतमीजी है? आप रोटियां सीख रहे हो, रोटियां आप सीख रहे हो, फिलहाल हम सीख नहीं रहे. हाँ. लेकिन हम अभी मन कर रहा है कि हम लोग भी सीखें. जब अभी तक तो हम सिर्फ आपकी सीख रहे थे, लेकिन अब से अगर रोटियां भी सीख जाएगी तो हमें कोई जनाब के जो भी आके जनाब है ना, नल्ला मतलब फालतू चीजें बोल जाते हैं, उसमें हमें बुरा नहीं लगेगा. मैं हमें वैसे भी नहीं लगता, लेकिन फिर और ही नहीं लगेगा. मतलब वी विल बी मोर देन हैप्पी. ओनली सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में एड्रेस करते हो आप लोग, ऐसा क्यों? स्टारलेट ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला था आपको, क्या हुआ उसके बारे में? अब हम आप बोलो को रिपीट करेंगे, रिपीट तो करेंगे भाई, क्योंकि आपने सारी चीजें एड्रेस करो, तो आपको ये भी एड्रेस करना चाहिए ना कि आपने कि वो चीज क्यों नहीं दिखाई, कि आपको कौन सा अवार्ड मिला था, कहाँ मिला था. सिर्फ एक पोस्ट इंस्टाग्राम में डाल के कि आपको सो कॉल्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया था, प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो दादा साहब फाल्के का फेक अवार्ड था, वो भी आपने बताया, वो भी नहीं आपने अपने उसमें वीडियो में नहीं बताया. यहाँ तक कि आपके पीछे जो है आपका सो कॉल्ड चंगू मंगू जो है वो शूट कर रहे थे, उन्होंने प्रॉपर शूट किया था वो कि व्लॉग में दिखाया जाएगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो चीज़ आप बिल्कुल अपने व्यूवर्स को नहीं दिखा सकते थे. किस तरह का, किस कैटेगरी का अवार्ड था वो, और आपने उसको शोकेस करके दिखाया कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी, क्यों नहीं बताया कि खरीदा हुआ अवार्ड था वो? अभी भी आप फोन करके आप लोग को बताएंगे, आप लोग जाके पता कर लो उस अवार्ड्स के बारे में, पब्लिक को भी, कि आप लोग फोन करो और पूछो उनसे कि अवार्ड ये मिल सकता है कि नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं से आपको पता लग जाएगा दैट अवार्ड कैन बी परचेस्ड. और वो अवार्ड जनाब को तभी मिला जब मैडम को अवार्ड मिला. इनका ईगो बिल्कुल हिल जाता है, मसाज नहीं हुआ ना ईगो में, पागल हो जाते हैं. तो जनाब ने कहा कि हम दादी के बर्थडे में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पापा की सर्जरी हो रही थी. ठीक है, आपने बोला है तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब आपके पापा की सर्जरी हो रही थी तो आप अपनी मैडम का बर्थडे हॉस्पिटल में मना रहे थे, और उसी टाइम पे आपकी दादी का इंतकाल हुआ था. क्या बात कर रहे हो, उसका जिक्र नहीं हुआ मतलब उसका आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था? जीरो फिल्टर यहाँ पे भी कल नहीं हो पाया, जीरो फिल्टर है यहाँ पे भी, जीरो फिल्टर कहाँ पॉइंट आउट करें? ठीक है, हमने तो ये पॉइंट उठाया था, जिंदगी भर तो आपने अपनी दादी को पूछा नहीं, किसी ने भी, चाहे आपकी अम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आप खुद हो, अगर किसी के लायक आप बन गए थे तो आपको थोड़ा तो भाई दादी को पूछना चाहिए था, क्योंकि आप ज्ञान देते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, बड़ों के साथ पेरेंट्स के साथ में रिस्पेक्ट करिए. तो आपकी दादी भी आपके पेरेंट की पेरेंट थी, ठीक है, लेकिन वो बेचारी परेशान रही ऑल टाइम. वो घर में काम करती थी, नहीं करती थी ये बताओ, ठीक है, अपने पापा को अपने मायके में रख लेती थी इनकी अम्मी, लेकिन अपने माँ से नहीं मिलने देती थी. और यहाँ जगत माता बन के सबको दुआएं हैं, सबको ये है, सबको सारी दुनिया के बच्चे खुश रहे हैं, सारी दुनिया की माएं खुश रहे हैं, लेकिन जिनकी खुद की उनकी माँ थी उनको खुश नहीं रहने दिया उन्होंने.
हैं, जगत अम्मा बनने के लिए तैयार हैं सब लोग, राइट? तो यही सो कॉल हिपोक्रेसी को आप उजागर करते हैं, आपको गुस्सा आता है. द गुस्सा इन द सेंस आपको पता ही रियलिटी. अब आप जो बोलेंगे कि इसका प्रूफ नहीं लेके आओ, ये बोलेंगे प्रूफ लेके आओ, जिनको जिनको प्रूफ पता करना है जाके गाँव जाओ, आप लोग भी थोड़ा टाइम डिवोट करो ना, आप लोग भी देखो जाके, जिसको अगर नहीं यकीन आ रहा है, राइट, जिनको यकीन नहीं आ रहा है, तो हम तो खुले में कह रहे हैं कि आप जाके गांव में जाओ और इनके बारे में पूछ लो ये बात. अगर ये गलत निकल जाए तो फिर आके हमारे हमारे अगेंस्ट पे ब्लॉग आप बना दो. कोई इनकी कोई प्रॉपर इज्जत रही है इन्हीं सब हरकतों की वजह से? क्योंकि कोई इंसान जो अपने माँ के मरने में ना जाए, जिंदगी भर उसे पूछे ना, तो वाकई में उसे गांव वाले कुछ नहीं समझते. ठीक है, भले ही आप कहीं भी कितने भी व्यूज लेकर के पहुंच जाओ, चांद पे बैठ जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं. एग्जैक्टली, दिखाओ अपने व्लॉग, दिखाओ, पब्लिक को झूठ मत परोसो. बस कहने का पर्पस यही है. और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम यही होती है कि मेरा पति मेरा देवता है, तुम्हारे लिए देवता होगा. हाँ. लेकिन सबको ये मत बोलो ऐसा ही पति तुम्हारे साथ भी हो. नहीं, ऐसा नहीं चाहिए भैया, किसी को ऐसा पति नहीं चाहिए. सॉरी टू से. और मेरी मदर इन लॉ स्वीटेस्ट मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड है. अरे वो मदर इन लॉ ने जो अपनी मदर इन लॉ के साथ किया वो तो तुम भैया, ऐसे आप लोगों की तरफ से जब बातें आती है दैट इज नॉट वैलिड. और पेरेंट्स जिन्होंने कभी, आपने अपनी पुरानी इंटरव्यू से बोला है कि पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया है, कभी अपने व्लॉग अपने उसमें बोल देती हैं, क्योंकि अब व्लॉग चल रहा है तो अब बोलती थी हमारा डार्क फेज चला था पेरेंट्स के साथ, तो उस टाइम मुझे खिलौने मिलने मिलते थे, तो पापा मुझे दिला देते थे खिलौने. और पापा और मम्मी का जो डिवोर्स था उसकी वजह से काफ़ी मुझे फील होता था, काफ़ी चीज़ें मुझे ख़राब लग जाती थी, उसका मुझे में काफ़ी असर पड़ा था. तो उस माँ ही ने आपकी प्रेगनेंसी के टाइम आपको बैठ के खाना खिला रही थी, राइट? ना ही आपकी सो कॉल्ड मेड फॉर मम्मी जो थी आपकी, जो मदर इन लॉ है, वो आपको खाना बना के खिला रही थी. उन्होंने तो पैम्परिंग भी नहीं करी जरा से भी कुछ. और कुछ, उनका सितारा गर्दिश में थे आपके लिए, वो दिख रहा था. उनका सितारा गर्दिश में ही थे आपके लिए, वो क्लियर कट सबको दिख रहा है. अब आप बोलो एक दिन बैठ के सब्जी खिलाया था, वो आपने दिखा दिया था व्लॉग में. अब आपको सब चीजें नहीं दिखाते जो एक्चुअली होता है पीछे, तो फिर ये मत बोलो कि आप नो फिल्टर हो, ये मत बोलो. आपका कैमरा तो जरा सी पैम्परिंग में फौरन ऑन हो जाता है. आप तो पैम्परिंग की भूखी हो, आपको इतनी सी पैम्परिंग मिलती है तो आप नाचने लग जाती हो, पागल हो जाती हो, अम्मी ने ऐसा कर दिया था वैसा, बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल भरमना चाहती हो, ऐसा जैसे आपको जिंदगी में प्यार मिला ही नहीं. ठीक है, आप कह रही हो आपको नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला. आपके लिए जो इतना सा प्यार जो आपको मिल रहा है वो ही आपके लिए बहुत ज्यादा है, जो क्योंकि आप बहुत 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 बोलती हो. लेकिन आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया? किसी पेरेंट के साथ जो स्टेप्स आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, आप खुद सोचो, आप जितने भी लोग हो आप खुद सोचो, अगर आपकी औलाद या आपके कोई भी फैमिली मेंबर ऐसे स्टेप्स लेता है, मतलब आउट ऑफ रिलीजन जाके शादी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव मैरिज करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट करके अपने आप को करे, वो कंडीशन हो, तो एक जो पेरेंट्स होते हैं उनको सोसाइटी में कितना ज्यादा इस चीज को झेलना पड़ता है, उनको कितना नीचा देखना पड़ता है अपने आप को. आपने पेरेंट्स को क्या रिटर्न में दिया है? हमेशा उनको नीचा दिखाती हो, हमेशा अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, जिंदगी भर. अभी आप पूरे व्लॉग में देख रहे हैं अपने इन लॉज की आप इतनी ज्यादा चाटम चाट करती रहती हो और उतना ही अपने पेरेंट्स को इग्नोर करती हो. तो कि मुझे रानी बना के रखा है, रानी बना के किसी को नहीं रखता. हाँ, एक राजा जरूर बना के रखा गया वहां पे, वो दिखता है सबको. वो पक्का है, वो श्योर है. और ये जो बॉन्ड 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 जेम्स बॉन्ड करती रहती हो आप ऑल टाइम, कोई बॉन्ड नहीं दिखता. पहले अपने खून के रिश्ते निभा लो, उसके बाद बॉन्ड बॉन्ड करना. यही अपनी बहन के रिश्ते निभा लो, ठीक है, रियलिटी चेक कर लो, क्योंकि बहन तुमसे अलग हो गई. क्यों अलग हो गई? क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन, रिलीजन चेंज किया ना. और ये इतना सो कॉल्ड अनकंडीशनल लव है मेरा जनाब के लिए, अनकंडीशनल लव है. जनाब ने अनकंडीशनल लव दिखाया होता तो आपसे ये नहीं बोला होता कि रिलीजन चेंज करो और शादी कर लो. ठीक, आपने अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाया. आप चाहती तो उनकी भी इज्जत बरकरार रख सकती थी और अपनी भी बरकरार रख सकती थी. आप करती ना बताती, जैसा कि आप नहीं बताती हो खुल करके, लेकिन आप देखती हो कहां पलड़ा भारी हो रहा है. ठीक है, होली कब खेलेंगे? जब व्लॉगिंग नहीं करेंगे. व्लॉगिंग शुरू होने से पहले खूब होली खेलेंगे, खूब रंग लगाएंगे, नाचेंगे, होली सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों के साथ में, पार्टी में. ठीक है, लेकिन व्लॉगिंग चालू हो गई तो अभी रुपट्टा लेके जो दोस्त होली खेलने के लिए आ रहे हैं, जो मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको इग्नोर करेंगे. बस एक जरा सा हो गई होली, बस गले मिल लिया, हो गई होली. नहीं होली खेलनी, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बुरा लगेगा. तो आपने आपका किसी भी चीज में कोई साथ नहीं दिया, उल्टा जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं ना, अनकंडीशनल लव है. इतनी कंडीशन लगा दी है, मस्जिद बनेगी, मंदिर नहीं बन पाएगा. अनकंडीशनल लव बहुत है भाई, बहुत है. अब लोग बोलेंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम, भाई हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं हो रही. बात क्या हो रही भाई, जो पोर्ट्रे करता है, मैं इनको कहता हूँ कि मेरा तुम्हारे लिए अनकंडीशनल लव है. ठीक है, कल को ये कहेंगे कि हमें ये चीज चाहिए, उस पर हम कहेंगे ये नहीं देंगे, बहुत महंगा है. ये अनकंडीशनल लव नहीं होता, फिर ये होता है दिमाग वाला खेल. ठीक है ना, तो दिमाग वाला खेल है. जब ये काम करता है तो ये काम नहीं करता है,
इट कैन नॉट बी बोथ साइड्स, यू नो, कि हम कहें मेरा अनकंडीशनल लव है. अब आप लोग कहोगे कि बीबी कुछ भी बोलती जाएगी, हाँ बीबी कुछ भी बोलती जाएगी, लेकिन अनकंडीशनल लव का मतलब डेफिनेशन बता दीजिए अगर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ, यू नो, कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, कि आप यू डोंट केयर अबाउट द मनी एंड ऑल वट एवर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग व्हेन इट कम्स टू हर. आप ये कुछ बोलेंगे, अगर मेरा दिल इनके लिए वाकई बहुत ज़्यादा है कि मैं अनकंडीशनल लव मानता हूँ इनका, तो डेफिनेटली मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अरे यार लुटा दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, डजेंट मैटर यार, क्योंकि इसके लिए इनकी खुशी बहुत मैटर करती है. लेकिन हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ इनके लिए मेरे लिए अनकंडीशनल लव बहुत है, लेकिन ये मेरे से कहें कि मुझे घर में मस्जिद बनानी है, तो मैं कहूँ नहीं नहीं मस्जिद तो नहीं बनेगी, हमारे यहाँ मंदिर का ही रिवाज रहा है, मंदिर ही रहेगा, तो ये नहीं होता. ठीक है, अब आप इसको मंदिर और मस्जिद मत कर लेने लगा, मैं इस एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इन्होंने बोला. देखा, जिसको आटा ना डाइजेस्ट होता हो लेकिन मैदा डाइजेस्ट हो जाता हो. एंड आटा विल बी लाइक गजब बेइज्जती है यार. ये तो हर कोई बोलता है कि मैदा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और जैसा कि मैडम बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आपकी उस प्रॉब्लम में तो मैदा बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली नो होता है, स्ट्रिक्टली नो होता है, वो ही एक जड़ होता है कि वो. अरे कुछ पता नहीं भाई, अलग अलग प्रेगनेंसी हो, हम ही लोग ना समझ पा रहे हो भाई. नहीं, ये बात अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है, तुम समझ लो ये अलग ही प्रेगनेंसी है, क्योंकि भाई हम लोग ने जितनी प्रेगनेंसी हमारी मम्मी लोगों ने देखी है, हम लोग ने देखी है, सबकी देखी है भाई, उसमें तो यही बताया गया था कि मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वेदर यू आर प्रेगनेंट वेदर यू आर नॉट, दोनों केसेस में ऐसा बताया जाता था. आटा फिर भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अब मैदा, अब मुझे जो इन्होंने बोला कि जब इन्होंने बताया तो डॉक्टर और ये हंसने लगे, मुझे तो लगता है डॉक्टर इन पे ही हंस रहा होगा. डॉक्टर आपके साथ नहीं हंस रहा, आपको गलती हो गई, डॉक्टर आप पे हंस रहा था. फिर से जाके आप एक बार फिर से अपने जो गायनी है, और क्या नाम है, जो भी गायनी है, आई डोंट नो व्हाट एवर, ये है गजब गायनी है, जो भी है गजब गायनी है, क्योंकि भाई उन्होंने कहा है 3 महीने के बाद पेलम पेल जो ठूस के खाना खाओ. नहीं, आप क्या चांद पे जाती हो क्या अपने गायनी से मिलने के लिए? ये मतलब दिखती क्यों नहीं है? आपके डेंटिस्ट दिख जाते हैं, आपके फिजिशियंस दिख जाते हैं, आपके सारे डॉक्टर्स दिख जाते हैं. जीरो फिल्टर, लेकिन आपकी गायनी नहीं दिखती, आपका स्कैन नहीं दिखता, मतलब आप नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, जीरो फिल्टर है ना, लेकिन है हम जीरो फिल्टर, लेकिन ये सब नहीं दिखाएंगे. आपकी बहन नहीं दिखती, नहीं सेलेक्टिव. आपके पापा नहीं दिखते, जीरो फिल्टर. आपकी मम्मी कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती, जीरो फिल्टर. ठीक है, और आप मतलब आपका, और आपके जनाब कभी आपके मायके में क्यों नहीं दिखते? अरे अब तो जनाब को खुल्ला खुल्ला कह दिया कि जाओ अफेयर करा, तो ठीक है करा, तो कर दिया. मैडम को एक्सपीरियंस है ना उस चीज के लिए. अब तो खुल्ला खुले आम जनाब, जनाब एकदम खुश, जनाब ने कहा तो जो होगा बेहतरीन, कोई टेंशन वाली बात. तो जब आप इतनी ही बेफिकर हैं तो आपको बुरा क्यों लग जाता है कमेंट्स? मुझे ये नहीं समझ आता. ऑडेसिटी टू से समथिंग लाइक दैट, ना इतनी घटिया बीवी हो आप. आम यार, कोई भी लेडी ऐसी बात पब्लिकली कभी नहीं बोलेगी, यू नो. नोबडी हैज द ऑडेसिटी टू से लाइक दैट. एंड द वर्स्ट पार्ट इज इवन द हस्बैंड स्टैंडिंग एट द बैक, मतलब मैं अगर ये बात बोली तो मैं कहूंगा पागल हो गई, कैसी बातें कर रही हो यार, ये हो भी नहीं सकता है. लेकिन दैट पर्सन डिडंट से एनीथिंग सिंगल वर्ड ऑन दैट थिंग, कि नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्योंकि वो उसे करना ही नहीं है. मैडम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, कैसी, ऐसा हो भी नहीं सकता, ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, इनको सोचना नहीं. अंदर से जनाब मतलब मजा आ गया, मन में लड्डू फूटा. इट्स पार्ट ऑफ आपकी सोशल मीडिया लाइफ, यू हैव टू टेक दोस. अब उसमें क्या है, और हाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने लास्ट शॉट क्यों डिलीट कर दिया, लास्ट शॉट उन्होंने डिलीट किया क्योंकि उसमें हाँ एक डॉग के लिए जो उन्होंने बोला, आई थिंक दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट मेंट फॉर दैट एट दैट पॉइंट. वो मीन नहीं करना चाहते थे, बट एक्चुअली इट वाज फ्लो ऑफ द, यू नो, एक होता है ना कि आपके अंदर का फ्लो में निकला वीडियो था, तो फॉर दैट वी हैव टेकन द वीडियो बैक. इट्स फाइन, वी एक्सेप्ट द, वी अपोलोजाइज, बिकॉज अगर किसी को, क्योंकि हम लोग भी पेट लवर हैं, हमारी भी, हमारे पास भी कैट है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा. ठीक है, तो हम लोग को डेफिनेटली वी डिडंट मीन इन दैट टर्म, बट यस हाँ वो चीज गलत थी, नहीं बोलना चाहिए था उस तरह से. नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द फैक्ट, इट्स फाइन एंड मूव ऑन. अब उसमें प्रॉब्लम नहीं, हमने एक्सेप्ट किया एटलीस्ट. तो ये इनके मामू के लड़के की प्रोफाइल है, और हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं. तो
कुछ कहने लायक नहीं है, इस पर कुछ कहेंगे नहीं हम, ठीक है ना। आप लोग प्रूफ 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 बातें कर रहे हो, अब आप कहोगे कि ये सोर्स सही नहीं है या सोर्स रिलायबल नहीं है, तो सोर्स रिलायबल और अनरिलायबल वाली बात नहीं होती तो 25 दिन तक साफ नहीं सुन गया होता उन लोग को जब हमने ये ओपन किया था, ठीक है ना, मासूम रिश्ते वाला चीज। और जनाब कह रहे प्रूफ लाइए, तो प्रूफ आपके घर में है, जो है नीचे आपकी अम्मी के पास, आपकी नानी, आपकी नानी जा करके प्रॉपर बताती हैं एक बच्ची को देख के कि वहू की भी बिटाना इतनी हाई। इसका मतलब हुआ कि उसकी भी बेटी इतनी ही उम्र की है। यस, इतनी ही उम्र की है, बकायदा नाम लेके नानी बताती है। अब तो आप नानी से जाके पूछो। नीचे जाइए फौरन अभी उतर के और नानी से जाके पूछिए कि नानी ने कहाँ कहाँ बताया ये गाँव। बिल्कुल ठीक है, तो अभी छुपने वाली बातें नहीं है, अब तो ये सीधे उजागर हो गया है। हाँ। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था तो आपको इतना परेशान, इतना डिप्रेशन, इतना इतना बौखला जाने की जरूरत क्या थी? आप कभी इतना नहीं घबराए, ये कभी इतना नहीं घबराए जितना उस वीडियो के बाद घबराए थे। और फिर 20-21 days बाद के वी आर ये वो दुनिया भर का लेकर के आ गए। तो अगर ये बात झूठ थी तो आप इतना परेशान नहीं होते, और अभी भी आप ये नहीं कह रहे हो कि ये बात झूठ है। आप कह रहे हो प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। और अपोजिट पार्टी से पूछा जाते ना, मैडम की अपोजिट पार्टी से, तो वहां से भी डिनाइल नहीं कोई करता कि ये बात झूठ है। बस ये है कि उनके मुंह बंद है फिलहाल। तुम नौकरी छीनोगे, पहले तुम खुद की तो नौकरी लगा लो किसी ऑफिस में। तुम्हें यहाँ पे पियोन में नहीं रखा जाएगा, उसकी भी ग्रेजुएशन चाहिए होती है, पता है तुम्हें? तुम्हें दुनिया में लोगों ने जब तुम 10 साल तक घर में बैठे थे नल्ले नल्ले बोला तो तुम्हें बुरा लगने लगा। ड्रॉप आउट एंड ड्रॉप आउट। तुम्हें किसी ने नल्ला बोला तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें दूसरे की बोल रहा हूँ मैं उसकी नौकरी ले लूंगा, ये कर दूंगा, साइबर बुली, तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हें दम है तो हमें इतना सभी हिला के दिखाओ, हमारे वीडियोस बंद करवा के दिखाओ। अब बातें मत करना, अब ये दोबारा वीडियो में कुछ और लेके मत आ जाना कि हम ये करने वाले वो करने वाले, करके दिखा दो, करके दिखाओ पहले। और तुम्हारी बस की होती ना, तुमने कर दिया हो तो तुम इतने जहरीले हो। तुमने अपने खानदान के बारे में सुना हुआ है, क्या नाम है तुम्हारे खानदान का? डिफॉल्टर्स, लईमार। लईमार मतलब जो पैसे लेके भाग जाते हैं और फ्रॉड तरीके से पैसे कमाते हैं। और आपके खानदान में जितने भगोड़े हैं, भगोड़े इन द सेंस, कभी लड़का भगा लाता है, कभी लड़की भाग जाती है, कभी किसी को रख लेते हैं, कभी किसी को छुपा देते हैं, कभी किसी का ले लेते हैं, छीन लेते हैं, घसोड़ लेते हैं। इनका वो था ना, वो सुना था कि हमने सुना कि उनका क्या हुआ, कि नहीं वो भाग गई थी, कि नहीं उनका क्या था, कि वो भगा ले गए थे, कि ना उनका क्या था, वो भी भाग गई थी, कि नहीं उनका क्या, वो भागते भागते रुक गए थे, उनकी कर दी वरना भाग जाती, हद्दी हो गई है। चबूतरा ने क्या किया था आपको पता है? और फिर वही बात पब्लिक है कि कोई सेंट नहीं होता, डेफिनेटली कोई सेंट नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं, वी आर ऑल्सो नॉट सेंट्स एंड ऑल, हमने नहीं बोला। लेकिन जब हम कहेंगे कि हम गॉडली फिगर हैं पूरी तरह से, हमने जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो पूरी पॉजिटिविटी किसी के साथ नहीं है, सबको पता है। और जब हम ज्ञान देंगे कि पेरेंट्स की मर्जी से सब करना चाहिए, पेरेंट्स की मर्जी से सब करना चाहिए, तो पेरेंट्स को जिसने पहले धमकी दी कि मैं इस गेट पे जहर खा के मर जाऊंगी अगर मेरी शादी नहीं करवाई, तो भैया पेरेंट्स ने कहा तू कर ले जा, जब कर ले, वैसे भी हमारे बस की नहीं, वैसे भी क्रिकेट खेलता रहता है यहाँ पे गांव में, तो उसको ले जा जा। अरे बाप रे, ये चबूतरा की बात हो रही है? यस, जस्ट फॉर द रेफरेंस, चबूतरा के ससुराल वालों ने ही पूरे सबको बता दिया कि भैया उन्होंने तो ऐसे ऐसे करवा लिए जबरदस्ती से, अब हम क्या करें। अब कोई तुम कितना भी एका दिखाओ, कितनी भी चप्पल जूते दिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी कुछ हो चुका था ना शायद, उसके पहले भी भाई जिनके साथ तुम्हारा था उनकी अम्मा ने सुसाइड कर ली, किसी की माँ तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेती है, किसी की माँ तुम्हारे चक्कर में रोती है। फॉर द सो कॉल्ड प्रूफ्स, अगेन जाके जाइए पता कर लीजिए गाँव में उनके। हाँ। ठीक है, पता चल जाएगा आपको कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं पता करके आइए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज आप जरूर से हमारे लिए वीडियो बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और किसी की माँ को तुम रुलाओगी, ठीक है, तो तुम खुद भी सुकून में नहीं रहोगी, जैसा कि तुम हमें बोलती हो ना बद्दुआएं बद्दुआएं बद्दुआएं, तो हमें तुम्हारी जैसों की बद्दुआएं नहीं लगेगी जो ऑलरेडी सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हो कैमरे पे। लेकिन हाँ, तुम माँ को परेशान करोगे तो माँ की तो बद्दुआ लगी जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अभी सोच समझ के करना है कि किसी की माँ को अगर रुलाओगे ना तो तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग नहीं छोड़ने वालों में से। बिल्कुल, वो कह रहे ना बार बार की चीजें कैसे पता चलती है, भाई जो पर्सन जहाँ का है ना उसको ज्यादा चीजें पता चलती हैं। आप भी जिस लोकल, जिस क्षेत्र में रहते होंगे या जिस कस्बे में रहते हो या जिस कहीं मोहल्ले में रहते हो या किसी एरिया में रहते हो, सिटी में रहते हो, आपको वहाँ की आसपास की चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं थोड़ा रूरल एरिया की, हमने सिटी की बात, हमने सिटी में नोबडी इज कंसर्न अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट पर्सन डूइंग इन द नेक्स्ट फ्लैट, नोबडी बॉदर्स अबाउट, नोबडी गिव्स अ डैम। जब कोई भाग जाता है, जब किसी के घर पुलिस आ जाती है, जब कोई पैसा लेके ना किसी का नहीं देता है, जब किसी के नाम के आगे चोर लग जाता है, आपके कौन से मामू के नाम के आगे चोर लगाए बताओ जरा, ठीक है, क्यों लगाया? ये सब चीजें हैं आपकी, ठीक है, तो डिफॉल्टर फैमिली है आपकी, और आप लेवल की बातें करते हो इसीलिए हमें बतानी पड़ी।
वहाँ पे हैं, उस एक्सपेक्ट पे हैं जहाँ पे हमें पता है कि आप वीडियो देखोगे, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है, तो दोनों साइड ऑफ द कॉइंस हैव टू बी देयर, राइट, हेड एंड टेल दोनों चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करो, अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक जो जेंट्री है उनको भी अच्छा लगता है तो हम उनके लिए वीडियोज बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, और हम आपको किसी को स्टॉप नहीं करेंगे कमेंट करने के लिए, हमारा कमेंट सेक्शन में कभी भी आप हमारा रैंड वीडियो नहीं देखेंगे कि हम आके आपको गाली दे रहे हैं, क्यों आपने हमारे ऊपर ऐसा बोला, क्यों आपने बोला कि मैं चिलम करता हूं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जब हम एप्स बना के वो नंगी होकर के रोमांस करते हैं तो नहीं देखता, तब नहीं देखेगा, तब नहीं देखेगा, और हमें जब नेगेटिव कमेंट हो जाते तो अल्लाह देख रहा है, तो भैया हम आपके जैसे नंग पने पे नहीं उतारू हैं, हम बस बोल ही रहे हैं सच, तो अल्लाह हमें आपसे ज्यादा देख रहा है क्योंकि हम तो आपसे ज्यादा मौज में है, आप ही इवेंट बजिए, अभी चलते हैं, लेट हो रहा है, अभी हमें काम पे भी जाना है क्योंकि हमें बहुत सारा काम रहता है, 12-15 घंटे काम करना पड़ता है, आपको पता है, इनके पास तो वैनिटी वैन भी नहीं है, हम वैनिटी वैन भी नहीं है, हम रेस्ट भी नहीं कर पाते, इनके पास तो मिक्कू भी नहीं है खाना बना के देने, 12 घंटे के बीच में हम तो वैनिटी में जाके आराम भी नहीं कर पाते यार, और पता है यहाँ से हम इसी गाड़ी में जाते हैं, इसी गाड़ी में वापस आते हैं, लेकिन आपको कहाँ मेहनत लगती है, हम लोग कहाँ मेहनत करते हैं, ये सब दिल्ली वाले लोग, सारी मेहनत तो एक्टर्स की है, सारी मेहनत 12-12-15-15 घंटे का शूट लगातार विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी आराम, वैनिटी वैन तो सिर्फ रखी रहती है आराम करने के लिए, उसके बाद अड्डे पे भी बैठना होता है, उसके साथ अड्डे पे भी जिम में भी जाना होता है, इतना टाइम मिल जाता है, भैया बहुत मेहनत करते हैं वही लोग, हम लोग नहीं कर सकते, आई एम सॉरी भाई, हम वाकई हम एडमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते भाई, सॉरी, हम नहीं कर सकते, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड विल टेक लीव नाउ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.